हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही टेस्टी और यमी दाल की पूरी। यूपी और बिहार में बड़े ही चाव से खाई जाती है। फ्रेंड्स, आज हमको आपको बताएंगे, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। गेहूं के आटे और चना दाल से इसे बनाया जाता है, तो इसे काफ़ी कम तेल और मसालों में तैयार होता है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, इसे कई जगहों पर बेडमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आलू की रसेदार सब्जी के साथ खाया जाता है, खीर सेवई के साथ खाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में आपको ये पूरी खाते हुए लोग मिल जाएंगे। आप इन्हें आसानी से घर में भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं दाल पूरी बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एक कप ही चना दाल लिया हुआ था, रात को हमने भिगो दिया था। 8 से 10 घंटे आप रात को भिगो देंगे, सुबह तक अच्छी तरीके से ये फूल जाएगा। तो इसे हमने 2-3 पानी से वाश कर लिया। आप देखिए, कुकर को हमने गैस पर रखा है। अब इसमें हम आयल को डालेंगे। तो हमने ये सरसों का आयल डाला है 2 बड़े चम्मच। अब हमारा ये तेल गरम हो जाए तो इसमें, तो देखिए इसमें हम एक, जब ये तेल गरम हो जाता है ना, तो इसमें हम 1 चम्मच बड़ भर के जीरा को हम ऐड करेंगे। अब जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी 1 पिंच हींग को ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियों को ऐड करेंगे। देखिए, हमने ये 10 से 12 लहसुन की कलियां है, इसे ऐड कर देते हैं। इसमें हम 5 से 6 लाल मिर्च को ऐड किया। आप चाहें तो इसमें मर्च हरी मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च को कम कर सकते हैं। और इसको देखिए, हम थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए, भून जाए, तो इसमें हम चना दाल को ऐड कर देंगे। देखिए, चना दाल ऐड करने के बाद इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि हमें ये सूखा दाल बनाना है। तो देखिए, हमने केवल पकने के लिए 1 कप डाला है। अब इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक को ऐड करेंगे और कुकर को हम बंद कर देंगे। देखिए, 1 सीटी जो है हाई फ्लेम पर होना चाहिए और 2 सीटियाँ आप जो है मीडियम फ्लेम पर ले सकते हैं। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिएगा। तकरीबन इसमें हमें 5 मिनट लगे हैं। अब इसके बाद हम तब तक आटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर तकरीबन ये 250 ग्राम आटा लिया हुआ है। अब इसको हम गूंद लेंगे। इसमें हम कुछ मिलाएंगे नहीं, सिंपल एकदम आसान तरीके से केवल हम इसे एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे इसका। देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो कचौरी पूरी की तरह आप इसका मोयन वगैरह डाल करके बना सकते हैं, लेकिन हमारे यूपी में इसमें मोयन वगैरह नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ शुभ अवसरों पर ये पूरी बनाई जाती है। तो इसको देखिए, हम अच्छी तरीके से एकदम सॉफ्ट डो हमने इसका लगा लिया है। अब इसको ढक करके हम एक साइड में रख देंगे। अब हमारा जो है कुकर, देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसको हम खोलेंगे। अब देखिए, इसे आप मैसर से या कलछी से अच्छी तरीके से, देखिए पानी ज़रा सा भी नहीं है। अब इसमें हम जो है मैसर या कलछी से इसको देखिए मैश कर देंगे अच्छी तरीके से। आपको इसको पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, झटपट ये केवल 5 मिनट में तैयार होता है, समझ लीजिए। देखिए, हमारा जो है ना अच्छी तरीके से मैश हो गया है। अब इसे दूसरे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि कुकर से तो हम निकाल के भर नहीं सकते ना, तो इसलिए हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर हम देखिए आटा ले लेंगे थोड़ा सा सूखा। और लेने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये देखिए आटा ले लेते हैं, इसकी हम पेड़े बना लेते हैं, लोइया बना लेते हैं। तो देखिए, मीडियम साइज की हम ये जो है पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद दोनों साइड आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के बाद देखिए, इसे थंब से ऐसे प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से इसका बाउल जैसा शेप दे देंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम भर के ये अपना स्टफिंग उसमें भरेंगे, चना दाल का जो हमने स्टफिंग तैयार किया था ना, तो इसमें हम ऐसे भर देंगे। देखिए, अगर आपका चना दाल हल्का सा भी पानी अधिक हो जाए और गीला हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करके आप इसे डो को की तरह तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे देखिए अच्छी तरीके से इसे घुमा लीजिए, और ऊपर जब ये आ जाए तो इसे हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर दीजिए। देखिए, इस तरीके से प्रेस करने के बाद आटा हम लगा देंगे दोनों साइड में,
लगाने के बाद इसे देखिए हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा हम केवल ये देखिए हम ऐसे बेल लेंगे। आप जितने भी साइज का बनाना चाहें बना सकते हैं, आप इसे चाहें तो पैन पर सेक भी सकते हैं, लेकिन हमने इसको फ्राई किया है। आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या पराठा की तरह आप इसे सेक लीजिए। तो इस तरीके से हम भरते हुए हम अपनी सारी पूरियां भरेंगे और फ्राई भी करेंगे। तो देखिए हमने ये हमारा ऐसे पलट देंगे दोनों साइड से, जब ये गुलाबी कलर का हो जाए ना तो देखिए अच्छी तरीके से खूब फूल जाता है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा झटपट। ये तकरीबन केवल आपका सब टोटल ये समय जो है 10 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारी ये दाल पूरी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह आप सारी पूरियां तल लीजिए। तो देखिए हमने ये दाल पूरी तैयार कर ली है, बहुत ही टेस्टी और यमी सा ये पूरियां बन चुकी हैं। तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक का जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए कितना टेस्टी और यमी सा झटपट सा ये दाल पूरी बन करके तैयार है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।